2 अक्टूबर को हर साल गांधी जयंती मनाई जाती है, लेकिन महात्मा गांधी के इतिहास से आज भी कई लोग अनजान हैं। बस्तर से जुड़ी गांधी जी की याद में एक जानकारी आपको बताते हैं। विशेष जानकार हेमंत कश्यप ने बताया कि सन 1948 में गांधी जी की शहादत हुई और गांधी जी की भस्म कलश को देश के विभिन्न हिस्सों में दर्शन करने के लिए भेजा गया था। दर्शन के बाद देश के कई हिस्सों में गांधी जी के भस्म कलश को ठंडा किया गया, लेकिन हिंदुस्तान के 2 जगहों में भस्म कलश को दफन किया गया। एक भस्म कलश मध्य प्रदेश के धार जिले के नर्मदा नदी के किनारे दफनाया गया तो दूसरा भस्म कलश को बस्तर के जगदलपुर के गोल बाजार में दफनाया गया। कुछ समिति के लोगों ने इस बात की जानकारी है कि एक वर्ष पहले इस स्थान पर गांधी जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी, तब इसकी जानकारी शहर के लोगों को लगी। इस जगह पर बस्तर दशहरा की एक रस्म भी निभाई जाती है। 1948 में जब गांधी जी की शहादत हुई थी तो राजघाट में उनका अंतिम संस्कार के बाद उनके भस्म कलश को देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों के दर्शनार्थ भेजा गया था, इस शर्त के साथ कि भाई उनको वहाँ लोग दर्शन करें और उसके बाद स्थानीय जो नदियाँ हैं वहाँ उसे विसर्जित कर दिया जाए। जब 1948 में भस्म कलश को जगदलपुर लाया गया था स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिलख नारायण अग्रवाल जी के द्वारा, तो यहाँ गोल बाजार में रखा गया था और बाद में उसे विसर्जित नहीं किया गया इंद्रावती नदी में, और यहाँ पर ससम्मान गड्ढा खोदकर उन्हें जमीन में दबा दिया गया और वहाँ पर एक झंडा चौरा बना दिया गया